बचपन में मुझे हाँ बहुत ही ज़्यादा एक शौक था साइंटिस्ट बनने का आई थिंक uh, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम उनका एक बहुत ही एक इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन रहे हैं मुझे डिविजनल कमिश्नर अगर कश्मीर बनने का मौका मिले सो दैट दैट समथिंग तब मेरे दादाजी ग्रैंडफादर वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनफैक्ट जितने भी हम हैं हमारे सिबलिंग्स हैं कजनस हैं सब पूरे जो फैमिली है या आसपास के जो लोग हैं उनकी उनका बहुत ही अहम रोल रहा है मैंने उनको बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा माई ग्रैंड फादर यूज़ टू कम टू आर स्कूल तो लंच के टाइम पे या वहाँ हमारे फार्म टीचर से पूछेगा कि ज़रा आप ये दिखाएँ इनकी रजिस्टर ये स्कूल छोड़ के बाद तो नहीं जाते हैं रोज स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं

कैसे की तैयारी जीत की बताएंगे आज, आज आपको क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं आपने सही किया अथर आमिर खान अथर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए देखिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आज, आज आप श्रीनगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर के औहदे पर हैं स्मार्ट सिटी का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके सीईओ आप हैं श्रीनगर के तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप यहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि हम यहां आपकी यूपीएससी जर्नी की बात कर रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट चीज से, से शुरुआत करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया uh, मुझे लगता है मुझे पता नहीं था कि यहाँ पहुँच पाएंगे बट मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट कि ये मौका मिल रहा है इस तरीके से काम करने का और आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट कि ये जो एक अवसर मिला है एक अपॉर्चुनिटी मिली है इसको बेस्ट तरीके से मैं यूटिलाइज कर सकूँ सो सोचा तो पता नहीं uh, था कि नहीं आई एम नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट दैट बट यस आई आई रियली फील फॉर्चुनेट बहुत बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को आपके अगर शुरुआती दिनों से बात कर लें तो क्या आपका पहले से ही झुकाव था कि यू ही करना है या फिर कुछ और मन में था Uh, मुझे लगता है पहले बहुत क्लैरिटी नहीं थी जब uh, 11, ट्वेल्थ में थे तो आई हैड टेकन बोथ इंजीनियरिंग एज वेल एज जो है मेडिकल के लिए है बायो मैथ्स दोनों लिए थे इनिशियली आई हैड जॉइंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन जम्मू आई वॉज देयर फॉर सम टाइम फिर मैंने आई आई टी में का एडमिशन हुआ था तो देन आई जॉइन आई आई टी तो आई थिंक उस टाइम में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं था शायद पता भी नहीं होता है mm. क्या करना है और यू पी एस सी का आई थिंक वॉयल जब मैं कॉलेज में था थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आसपास तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है यू पी एस सी की तरफ हुआ uh, उसके कई सारे रहे एक बिकॉज uh, जिस जगह से हम लोग आते हैं यहाँ पर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो भी था इसी तरीके से जो है एक जो सिविल सर्वेंट का एक रोल होता है ये मुझे बहुत ही एक्साइट uh, कर गया इन सेंस दैट फैसिनेट कर फैसिनेटिंग लगा बिकॉज इट्स इट्स काइंड ऑफ यू नो लॉट ऑफ थिंग्स रोल्ड इन वन कि आप एक डॉक्टर नहीं हो लेकिन फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी जगह आप एक हेल्थ सर्विस या हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूव कर सकते हो हम आप रोड इंजीनियर नहीं है लेकिन आप फिर भी ये जो आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है आप इंजीनियर्स के साथ काम कर सकते हैं उनके साथ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम कर सकते हैं सो so, वो है सो so, मेरे ख्याल से वो एक जो एक कैटलिटिक रोल है कैटलिस्ट की तरह जो एक सिविल सर्वेंट काम करता है वो बहुत मुझे दैट समथिंग व्हिच रियली इंस्पायर्ड मी एंड देन दैट्स व्हेन आई थॉट कि आई थिंक आई शुड आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यानी यू कहें तो सेवा uh, करना आपका इंटेंशन कहें कि आप चाहते थे कि आप सेवा करें और बदलाव लाना आप चाहते थे आपने कहा कैटालिस्ट का, का uh, जहां से आप इंस्पायर्ड हुए आपने सोचा कि uh, इसे इस तरह आगे बढ़ाया जाए उसके बाद यूपीएससी की जो जर्नी है वो आपके लिए किस तरह शुरू हुई Uh, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था मैं आईआईटी मंडी में था तो हम लोग सेवन्थ सेमेस्टर के बाद वी हैड दिस ब्रेक ऑफ सम टाइम इनफैक्ट उसकी बीच में मुझे एक जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक पीपीओ मिला था hmm. जो प्री प्लेसमेंट ऑफर था उनका एक औरटेशन प्रोग्राम था मुंबई में तो हम लोग चार पाँच दिन मुंबई गए आई सॉ दी सेटअप यू वर्किंग इन कल्चर समा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग uh, नहीं hmm. लगा था ता. फिर उसी बीच में वाई कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई वी ड्रॉप एट दिल्ली हम दिल्ली में रुके तो फिर मैंने वहाँ दिल्ली में राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर एरिया रह है करोल बाग वगैरह जहाँ लोग बच्चे तैयारी करते हैं तो वहाँ मैं घूम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गया कोई कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स देखने लग गया मटेरियल बुक शॉप्स वग़ैरह देखने लग गया आई थिंक दैट बिकेम सम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट तो उस दिन जब हम फिर दिल्ली से आई स्टार्टड वहाँ से मैंने कुछ कुछ स्टडी मटीरियल ले लिया एंड आई केम बैक टू माई कॉलेज हिमाचल प्रदेश में आई मंडी में फिर वहाँ से कॉलेज से मैंने फिर लास्ट सेमिस्टर में फुल ऑन इसमें डेडिकेटेड साथ साथ में तैयारी करना यू यूज़ टू हॉप फ्राम यू नो हिमाचल से दिल्ली क्योंकि वीकेंड्स पर आपकी क्लासेस yeah, हुआ करती थी yeah. मैंने वहाँ दिल्ली में सम क्लासेस और टेस्ट सीरीज वहाँ इसी बीच में लेकिन हमारा लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा था तो हमें सैटरडे संडे कॉलेज में छुट्टी होती थी तो देन आई वुड मैं uh, वहाँ से मंडी से आई वुड टेक अ बस फ्राइडे इवनिंग को और शाम सुबह दिल्ली पहुँच जाते थे फिर सैटरडे संडे क्लासेज या टेस्ट वगैरह दे मंडे मॉर्निंग वापस कॉलेज सो एटलीस्ट वो बीच पाँच छः महीने का yeah. Yeah. है वो चला सो so, फिर वंस कॉलेज जब कॉलेज एक बार कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने फुल फ्लैज फिर मैं आई स्टेड इन दिल्ली और उन दिनों फिर वहीं से फिर तैयारी शुरू कर दी और वैसे ये भी सुना हमने कि साइंटिस्ट या फिर डिविजनल कमिश्नर आप बनना चाहते थे किसी खास कारण से बचपन में आप सोचते थे ऐसा बचपन में मुझे हाँ बहुत ही ज़्यादा एक शौक था साइंटिस्ट बनने का आई थिंक जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है डॉक्टर ए पी जे कलाम उनका एक बहुत ही एक इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन रहे हैं मुझे हम स्कूल में थे जब एक बार डॉक्टर कलाम यहाँ कश्मीर आए थे तो उनसे मिलने का मौका मिला सो so, वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग था फिर उसके बाद हम एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में वी हैड पार्टिसिपेटेड उसके नेशनल नेशनल लेवल्स में वहाँ पे भी उनके साथ मिलने का मौका मिला था so, तो एक बहुत ही अच्छी एक फैसिनेशन थी कि बचपन में कि एक साइंटिस्ट बनेंगे बट या फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो और जो है लेकिन एक चीज़ डिविजनल कमिश्नर बनने का क्या कारण था <laughs> तो वो वो एक थोड़ा सा फनी सा रीज़न अपना बता दीजिए कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर के दो डिवीजन सेस जो मूव डिवीजन और कश्मीर डिवीजन तो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर जनरली लुक्स आफ्टर ऑल दी 11 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिले हैं कश्मीर के उन सबको ओवरसाइड करते हैं तो हमारे टाइम पे ये होता था कि वो अनाउंस करते थे विंटर वेकेशन कब होगी छुट्टियां कब होंगी जो विंटर की तो न्यूज़ में आते थे डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर इशू किया तो इस वजह से मुझे बड़ा एक फैसिनेशन था किसी दिन डिविजनल कमिश्नर अगर कश्मीर बनने का मौका मिले सो दैट दैट समब इन बट या जब हम फिर सर्विस में आते हैं स्टार्ट एज एस डी एम से शुरू किया है या उससे पहले हम लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी थे भारत सरकार में फिर सी ई जिला परिषद या अब नगर निगम कमिश्नर तो सभी uh, जगहों पे एक uh, समानता इस चीज़ की है कि आपको काम करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है uh, एक तो हम सोशल सर्विस की बात करते हैं बट दिस इज़ प्रोफेशनली प्रोफेशन ही आपको वो मौका देता है इट्स ये इट्स नॉट समथिंग आप आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं अगर आप अपना ही काम सही से कर लेते हैं वो ही काफ़ी है क्योंकि इस तरीके का एक हम आप भी यहाँ देखते हैं ऑफिस में लोग आते हैं या जो भी आते हैं इतनी परेशानी में होते हैं थोड़ा सा थोड़ी देर उनके सुन के प्रॉब्लम को सुन के उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं बिंग ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज टू दैम बहुत ब, बहुत हेल्प हो जाती है उन लोगों की और मुझे लगता है वो एक इस सर्विस में एक दैट्स अ काम एलिटी इन विचवर पोजिशन विचवर पोस्टिंग और अथर अगर बात कर लें आपके शुरुआती दिनों की क्योंकि आप एक गांव से आते हैं देवीपुरा नाम का एक गांव है विलेज है श्रीनगर में वहाँ से आप आते हैं तो एक छोटे गांव के लड़के का इतना बड़ा सपना होना ख़ास तौर तो पर तब जब आप, आप आप आपको ही मैंने बोलते हुए कहीं सुना था कि आपके जो ग्रैंडफादर थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी आपने और आपकी फैमिली ने क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है यानी हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए भी फैमिली का सपोर्ट इज लाइक सुप्रीम इफ इट्स नॉट देयर थिंग्स वॉन्ट वर्क वर्क फॉर यू इसका एक जो बहुत ही इम्पोटेंट जिनका आपने जिक्र किया है मेरे दादाजी ग्रैंडफादर वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनफैक्ट जितने भी हम हैं हमारे सिबलिंग्स हैं कज़न्स हैं सब पूरे जो फैमिली है या आसपास के जो लोग हैं उनकी उनका बहुत ही अहम रोल रहा है मैंने उनको बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा हमारे एप्पल के खेत हैं एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं एक एक ऑर्चर्ड उन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है वो मेहनत और उनका जो है एक वो बड़ा हमें भी बहुत ही इंस्पायर करता था कि ये इस एज में इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं तो दिस दैस इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम इसके साथ साथ जो उनको एजुकेशन का पढ़ाई का इतना लगाव मैंने आज तक किसी का नहीं देखा हैव नॉट सीन एनी बडी एल सो फैसिनेटेड अबाउट एजुकेशन हम uh, जब इनिशियल क्लासेस में थे अपने वहीं पास में एक स्कूल था वहाँ जाते थे तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल तो लंच के टाइम पे या वहाँ हमारे फार्म टीचर से पूछेगा कि ज़रा आप ये दिखाएं इनकी रजिस्टर ये स्कूल छोड़ के बाद तो नहीं जाते हैं रोज़ स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं ये साइंस में ज़रा ये बताएँ खबर लेते थे, थे। साइंस में क्या ये है इनफैक्ट आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जब छोटे छोटे क्लासेज में हमारे पेजेस लिखने होते थे जो इंग्लिश राइटिंग के या जो लैंग्वेज उर्दू हिंदी लैंग्वेज के राइटिंग के होते थे तो वो पेजेस खोलते थे उस पर अगर टीचर का साइन होता था तो वो देखते थे किसी और जगह पे टीचर ने रेड इंक से करेक्शन क्यों नहीं की इसका मतलब टीचर ने देखा नहीं है ध्यान से सो दैट वाज हिज़ हिज़ पैशन अबाउट इट मेरे ख्याल से उनकी वो मेहनत और, और उनके उन दुआओं और पैशन की वजह से ही uh, uh, जो है वट वी आर एबल टू डू इट्स इट्स बिकॉज ऑफ दैट और uh, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी में एक कि एक जब इनफैक्ट जिसने रिजल्ट भी आया था तो एक बड़ी एक अच्छी कहानी कही थी कि आपने बहुत मेहनत की इसके लिए तो ये मेहनत इंसान स्वर्ग या जन्नत कमाने के लिए करता है जहन्नम कमाने के लिए नहीं करता है तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको भी कोई अधिकारी रहे कोई ऑफिसर रहेगा कब तक दस साल ती, तीस साल रहेगा पैंतीस साल के बाद रिटायर होकर वापस वहीं आ जाता है तो अक्सर जो वट एक्चुअली मैटर्स इज़ कितना अच्छा काम आप कर पाते हो और एज ए पर्सन आप कैसे हो पोजीशन या कोई भी जो ऑफिस इट डजेंट मैटर ये आता है निकलता रहेगा बट जो एक मूल प्रिंसिपल्स है जो एक मूल वैल्यूज है there's something which one should never forget. तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मान लीजिए आपके माता पिता ने कही हो या आपके ग्रैंड फादर ने कही हो आपको बताई हूँ जो आप यू में भी कहीं ना कहीं एम्बाइप कर कर चलते हैं आज भी आ, ये सारी चीज़ें एक तो आ, जो फंडामेंटल एक मुझे लगता है हमने बचपन से ही सुना है हार्ड वर्क हार्ड वर्क हमेशा चाहिए होती है एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है और एग्जाम के बाद आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो उसमें भी वो मेहनत लगती है ऐसा नहीं।, नहीं होता है कि एग्ज़ाम के बाद अब आप कोई किसी को किसी की सिलेक्शन हो गई तो आप आराम से बैठ सकते हो नो किसी भी जगह पे अगर अच्छा काम करना है तो उसमें मेहनत लगेगी किसी भी शहर में अच्छा काम करना है तो रोड पे आपको बैठना पड़ेगा किसी भी जगह पे अगर आपको कोई सिस्टमिक चेंजेस करनी है तो आपको एक एक चीज़ को गहराई से देखना पड़ेगा उनको जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी इसमें कई सारे लोग आते हैं कई सारे इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट हो, होते हैं जो आपको रोड़े अटकाते हैं आपके okay. इसमें बट यू हैव टू फाइट दैट बट एट द एंड ऑफ द डे कि आपको एक कंसिस्टेंट रहना बहुत yeah. ज़रूरी है ऐसे एस और ऐसा yeah. नहीं हो सकता एक दिन आपने थोड़ा सा कर लिया देन यू लेफ्ट इट सो हर किसी चीज़ में फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होती है और एक तो ये मुझे लगता है हार्डवर्क वाला एस्पेक्ट इट्स वेरी सिंपल हर कोई हम हमें बचपन से यही सिखाया गया है बट इसको जब हम वाकई में उतारते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने काम में तो एक बहुत ही बड़ा फ़र्क इससे महसूस होता है तीसरा आ, जो है इट इज़ ऑल अबाउट पीपल ये सब लोगों के बारे में ये है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में कुछ नहीं है ये अपने ये सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस इज फॉर पीपल कि लोगों के लिए क्या कर पाती है सिमिलरली कोई कमिश्नर है कोई दूसरे किसी पद पे है तो उस पद का अपने आप में कोई डज नॉट कैरी एनी मीनिंग एक्सेप्ट द मीनिंग दैट इट इज़ देयर फॉर पीपल तो वो एक पीपल फर्स्ट लोगों को की इंटरेस्ट को सामने सबसे पहले रखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़िंदगी में जैसे कहते हैं कि कहाँ पे भी आप हो, छोटा काम छोटी जगह पे, बड़ी जगह पे, वो अच्छा काम करना ये सोच के कि इससे दूसरे लोगों का इससे हमारे जो लोग हैं उनका भला हो सक हो सकता है उसको देट समथिंग विच 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 हैज़ बीन काइंड ऑफ टॉट टू मी सो सो एग्रेसिवली बाई माई पेरेंट्स एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई थिंक हियर मतलब हम बात करते हैं सिम्पथटिक होना ज़रूरी है लेकिन एम्पथेटिक होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप पीपल फर्स्ट की बात करते हैं और देखिए मैं सच कहूँगी जैसे ही हम श्रीनगर आए जिन भी लोगों से बात हुई सब ने आपकी बेहद तारीफ़ की आपके काम को लेकर जो आप श्रीनगर के लिए काम कर रहे हैं उसकी बेहद तारीफ़ की तो कहीं ना कहीं वो एम्पथटिक और आपका एम्पथटिक रवैया है जो आप लोगों की बात सुनते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं सोल्यूशंस निकालते हैं तो इस वक्त आप श्रीनगर से जुड़े और क्या काम कर रहे हैं आ, दो श्रीनगर में कई सारी चीज़ों पे इस समय जैसे आपने स्मार्ट सिटी की बात करी तो मैं स्मार्ट सिटी का जो श्रीनगर का प्रोजेक्ट है इसका भी यहाँ पे उसको देखता हूँ उसमें हम लोगों ने कई सारी प्रोजेक्ट्स इसमें जो लिए हैं फॉर एग्जांपल हमारे रोड इम्प्रूमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं साथ हमें हमने मेजर रोड्स का इम्प्रूवमेंट उसमें लिया हुआ है इसी तरीके से हमारे जहलिम रिवर फ्रंट है तो रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हमने लिया हुआ है वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोग जो हमारे शहर है अगर आप श्रीनगर शहर का जो पुराना शहर देखेंगे वो पूरा जहलिम के किनारे बसा हुआ है तो इस पूरे शहर को वापस एक्सेसबल जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बनाने के लिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं इसी तरीके से जो हमारा डल लेक है डल झील है शहर की एक एक सबसे इट्स द हार्ट ऑफ द सिटी शहर का एक मेजर जो है अट्रैक्शन है तो इसके अराउंड वॉकिंग स्पेसेस इसके अराउंड साइकिलिंग स्पेसेस इसके अराउंड फुटपाथ्स का इम्प्रूवमेंट इसके अराउंड जो हमारी कनाल्स हैं उन कैनाल्स का डेवलपमेंट वो सब इसमें टेकअप किया है इसी तरीके से जो हमारे शहर खास या ओल्ड सिटी है उस एरिया में जो हमारा हेरिटेज है उसका कंजर्वेशन हमारे कुछ हेरिटेज मार्केट्स हैं उन मार्केट्स का वापस रिवाइवल उन मार्केट्स का स्ट्रीट स्केप डेवलपमेंट वो सब चीज़ें इसमें ली हैं इसी तरीके से जो हमारे जंक्शन हैं शहर में जंक्शनस की इम्प्रूवमेंट हो हमारा ट्रैफिक एक बहुत ही बड़ा एक आ, इन ए वे एक चैलेंज है हमारे शहर में ट्रैफिक के लिए हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है सिग्नल्स का सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं शहर में एक इंटेलिजेंट मैनेज ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आई टी एम एस जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट प्लेट रिकोगशन जो है रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन ऑटोमेटिक चलानिंग सिस्टम इस सब को हम लोग शहर में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ शहर में सर्विस डिलीवरी में हो उस पर काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ एक शहर में वेर कंस्ट्रक्टिंग डेवलपिंग वन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो ऑलमोस्ट अभी रेडी कंडीशन में है जो सभी जितने भी आईटी सर्विसेज शहर में है उसका एक के लिए अम्ब्रेला स्ट्रक्चर काम करेगा हमारा वहाँ खुद का डेटा सेंटर है वॉर रूम नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर मल्टी कम्युनिकेशन सेंटर इसी के साथ साथ हम शहर का एक, शहर का खुद का एक फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट भी uh, जो है प्लान कर रहे हैं Uh, जो लगभग लग दो सौ किलोमीटर का होगा जिसमें शहर में जितने भी जंक्शन हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस, इंस्टीट्यूशन इंस्टॉलेशंस को कनेक्ट करेगा सो so, ओवरऑल एक ब्रॉड चीज़ें हैं जो जिसमें स्मार्ट सिटी में काम किया काम जा रहा है बस शुरुआत है इनफैक्ट हम लोगों ने पिछले जो छः सात महीने हैं इसमें एग्रेसिवली हम लोगों ने प्लानिंग पे फोकस किया किन सभी प्रोजेक्ट्स को कंसेप्चुलाइज करने पे फोकस किया डीपीआर पी पे फोकस किया टेंडरिंग जो है अब हम उस स्टेज पे स्थिति में अब पहुंचे हैं कि अब हम काम शुरू कर रहे हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स में और मेरा मेरा ख्याल है कि आगे साल डेढ़ साल में ये सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और दे शहर में बेटर लेट दैन एवर ऑफकोर्स बट वंस दिज आर डन आई एम श्योर दैट सिटी विल हैवे वेरी गुड इसी तरीके से जो हमारा नगर निगम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी uh, शहर में बहुत अहम रोल होता है uh, जो सिटी में इन्फोर्समेंट है uh, जैसे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को इसको इन्फोर्स करना लॉज को इन्फोर्स करना उस पर uh, एक्टिवली काम कर रहे हैं इसी तरीके से बिल्डिंग परमिशन को हम लोगों ने स्ट्रीम किया है पूरा डिजिटाइज़ ऑनलाइन सिस्टम्स किए हैं रजिस्ट्रेशन को किया है इसी तरीके से जो हमारी जो वर्कस का काम है उसको भी काफ़ी हद तक वो जो है स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा फ़ायदा पहुँच सके सो so, ओवरऑल कोशिश यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट सिटी में जो रोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करना चाहिए वो एक बेहतर तरीके से करें और लोगों के में भी वो एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो है उनकी समस्याएं अगर हैं उनकी जो इश्यूज हैं उनको हद तक भी पॉसिबल हो पाता है गिवन अवेलेबल उसमें जो एंड विल मेक श्योर दैट इट इज़ डन एक मेरा सवाल UPSC से जुड़ा ही आजकल के लोगों के लिए जानना जरूरी है कि फेलियर जिससे आपने भी डील किया है क्योंकि जो आपकी सेकेंड रैंक आपने हासिल की थी वो कोई एक गो में नहीं की थी तो उसके बारे में थोड़ा बताइए और क्योंकि इंस्पायरिंग भी रहेगा लोगों के लिए जानना कि आ, एक बार में अगर आपसे क्रैक नहीं होता है न, ना ना सिर्फ यू बल्कि कोई भी एग्जाम तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अथर आगे बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस पूरे आ, अपना उनका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे ख्याल से आ, फेलियर जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है बहुत कुछ सिखा देता है तो इससे कभी भी किसी भी चीज में सिर्फ एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किसी भी कॉन्टेक्स में फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए Uh, जैसे मैंने कहा कि मैंने भी पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था तब कॉलेज में ही थे तो कॉलेज के साथ ही हमारे फाइनल एग्जाम के साथ ही प्रीलिम्स लिखा था एग्ज़ाम क्लियर हो गया लेकिन जो रैंक थोड़ी सी ठीक नहीं आई थी तो मुझे आई सर्विस नहीं मिली थी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुई थी तो एक थोड़ी सी निराशा सी थी डिसअपॉइंटमेंट थी बट राधा दिन की ये नहीं हुआ या ठीक से नहीं हुआ अब आई थॉट इट्स बेटर कि एक बार बैठ के एक जो एनालिसिस ही कर लें देख लें कि मेरा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल हमारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं एग्जाम में जनरल स्टडीज़ के होते हैं हमारे ऑप्शनल के होते हैं तो जनरल स्टडीज वगैरह उन सभी में आई हैड स्कोर्ड वेल लेकिन मेरे ऑप्शनल मैंने फ़िलासफी लिया हुआ था तो मुझे ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स आए थे उस टाइम पे सो देन आई स्टार्टड वर्किंग ऑन दोज एरियाज जहाँ पे मुझे वीकनेस uh, जहाँ पे मुझे uh, जो है प्रॉब्लम uh, थी

सो so, uh, ये चीज़ था कि अगर शायद पहले मैं ही और ठीक होता तो इतना अच्छा नहीं हो सकता था सो so, कुल मिला के आई थिंक इट डजेंट मैटर कि अगर पहली बार में होना कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है दूसरी बार में भी कोई एकदम से कंपलसरी चीज़ नहीं है बाद में जब आप काम करते हो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं तो कोई उनसे ये नहीं पूछता है आपकी रैंक कम थी बट उनका काम बोलता है उनकी उनका जो जब जहाँ पर भी वो काम करते हैं दैट इज़ वॉट मैटर्स अल्टीमेटली कोई हिम्मत हारने की इसमें आवश्यकता नहीं है अपनी तरफ से बेस्ट दे दें और चाहे वो फर्स्ट हो सेकेंड होटम्प्ट में हो आई एम श्योर दैट यू विल डू वेल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज तक पर जुड़ने के लिए तो आप सुन रहे थे अथर आमिर खान को क्या कुछ उन्होंने बताया अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में आपके लिए काफी कुछ सीखने को इसमें आपको मिला होगा यही हम उम्मीद करते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक